गुड मॉर्निंग यूनिक्स शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कल ट्वेल्थ जो राजनीति विज्ञान है ट्वेल्थ क्लास की उसके बारे में उसके अंदर अपने अध्याय 3 के अंदर चर्चा कर रहे थे, संघीय न्यायपालिका, जिसके अंदर संघीय न्यायपालिका के अंदर अपने पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अपनी न्यायपालिका है जिसके शीर्ष के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य है जैसे संविधान की व्याख्या करना, संविधान की सुरक्षा करना, कानून की सर्वोच्चता को स्थापित करना, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, ये संपूर्ण कार्यों के बारे में अपन ने चर्चा की। उसके बारे में अपन ने चर्चा की कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे क्या सुरक्षित की जा सकती है। फिर हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की और फिर हमने जो एक बीच में जो आयोग बनाया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के द्वारा उसको निरस्त कर दिया है, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। फिर न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी हमने चर्चा की थी। फिर हमने कल जो हमारा जो टॉपिक था हमारा न्यायपालिका की संरचना स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एकीकृत न्याय व्यवस्था पिरामिड के आकार की ली हुई है, जिसके शीर्ष के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भूमिका क्या है भारत की न्यायपालिका में, उसके बारे में चर्चा की। फिर सुप्रीम कोर्ट से जो नीचे का आता है वो होता है हाई कोर्ट, जिसको उच्च न्यायालय के बारे में हमने चर्चा की कि उसकी भूमिका क्या है न्यायपालिका में। और फिर इसके बाद में जिला न्यायालय के बारे में हमने चर्चा की कि जिला न्यायालय अपनी कैसे भूमिका निभाता है। और फिर उसके जिला न्यायालय के बाद में हमारा अंतिम जो न्यायपालिका की श्रेणी में अंतिम जो न्यायालय आते हैं वो है अधीनस्थ न्यायालय, जिनके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि वो फौजदारी और जो दीवानी मामले हैं उन सब के ऊपर विचार कौन करते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। फिर हमारा अब आज की हमारी कड़ी के अंदर आज जो न्यायपालिका जो संघीय न्यायपालिका की कड़ी में आता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या क्या है, कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने काम करता है, क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है उसका। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के कार्यों और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। संविधान के अंदर जो लिखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से काम करेगा वो सारे के सारे हमारे संविधान के अंदर दर्ज हैं या लिखे हुए हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय पूरा करता है जो निम्न प्रकार से हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, किस प्रकार से, कि निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, कैसे, जो इसके निम्न प्रकार समझा कैसे किस प्रकार से, इसके क्षेत्राधिकार के मुख्यतः चार बिंदु हमारे सामने कौन कौन से, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा इसका जो है वो आता है क्षेत्र रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, तीसरा जो इसका आता है क्षेत्राधिकार वो आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, और जो चौथा जो अंतिम इसके क्षेत्राधिकार में वो है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। ये अपने को चारों बिंदु ध्यान में रखने हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यदि क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए तो हमारे सामने यही बात निकल करके आती है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र चार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वप्रथम हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में किन किन क्षेत्रों के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका निभाता है, अपने कार्य करता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ऐसे मुकदमे आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, ऐसे मुकदमे आते हैं जिनकी सीधी
सुनवाई उच्चतम न्यायालय में होती है। जिनकी सीधी सुनवाई कहाँ पे होगी भाई? उच्चतम न्यायालय में। कौन से में? उप उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट में होगी वो। इसके अलावा जो भी और हैं जैसे जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उनके अंदर इनकी इनकी सुनवाई नहीं होगी। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर सुनवाई करेगा। अब वो कौन से क्षेत्र हैं जिनके अंदर डायरेक्ट ही उच्चतम न्यायालय अपनी भूमिका या अपनी सुनवाई करता है, न्यायालय की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो सकती है, वो कौन से क्षेत्र हैं? तो देखो, इसके लिए निचली अदालतों के अंदर सुनवाई होना जरूरी है। और इनमें कौन कौन से हैं? जैसे संघीय मुकदमे, ये कौन कौन से मुकदमे जिनको डायरेक्ट प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में डायरेक्ट केवल सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हो सकती है, वो कौन कौन से? संघीय मुकदमे, जैसे जैसे कौन कौन से हैं? जैसे संघीय मुकदमे, पूरे देश से जुड़े हुए जो मुकदमे, जिसके अंदर पूरे देश के जो मुकदमे, संघ के जो मुकदमे, वो उनकी सुनवाई कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में। संघीय मुकदमे हैं संघ व राज्यों के बीच विवाद। दूसरा है संघ व राज्यों के बीच विवाद, इसकी पैरवी भी कहाँ पे की जाएगी? संघ और मतलब देश से और किसी राज्य, राज्य के मध्य और देश के मध्य किसी कोई बात को लेकर के विवाद हो गया तो उसकी सुनवाई का उसके ऊपर फैसला कौन देगा? उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा ये है। तीसरा है राज्यों व राज्यों के बीच किसी की नहीं, दो राज्यों के आपस के विवाद हो, राज्यों व राज्यों के बीच विवाद किन्हीं दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर उनकी सुनवाई कहाँ पे होगी? कि राज्यों और राज्यों के बीच विवाद, ये इनकी इन विवादों की सुनवाई कहाँ पे होगी भाई? इनकी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर के बीच विवाद। अब आता है और कौन से संघ व संघ जो राज्यों राज्यों के बीच में, संघ व राज्यों के बीच में और संघ से संघ, संघ के मुकदमे पूरे देश से जुड़े हुए कोई मैटर है या एक तरफ केंद्र है एक तरफ राज्य, इन दोनों के मध्य मुकदमा है या दो राज्यों के बीच में जो विवाद है, इन सारे विवादों की सुनवाई कहाँ कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार के क्षेत्राधिकार कौन से क्षेत्राधिकार में आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी, इन तीनों जो तीनों प्रकार के जो विवाद हैं, इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? सुप्रीम कोर्ट। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से क्षेत्राधिकार में आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। इस क्षेत्राधिकार को एकमेव क्षेत्राधिकार, एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का दूसरा नाम है इसको, इसका दूसरा नाम है इसे एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। एकमेव क्षेत्राधिकार मतलब एकाधिकार है इन क्षेत्रों से आने वाले जो भी मुकदमे जो विवाद है, चाहे संघ से जुड़ा हुआ हो, चाहे संघ में राज्यों के बीच में हो, चाहे दो राज्यों के बीच में कोई भी किसी प्रकार का विवाद है, इन सारे विवादों के अंदर किसको सुनवाई करने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट को। इसी कारण से हम क्या कहते हैं इसको? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब आता है सुप्रीम कोर्ट का दूसरा क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। तब आता है अपना रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, रिट के। तो देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो संविधान के द्वारा उनको 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यदि उन अधिकारों का किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस विवाद के ऊपर दायर कर सकता है या उसके लिए किसकी शरण में जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है सीधे तौर पर।
तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, साधारण सी बात आ जाएगी यहाँ पे, मौलिक किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उस मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने के लिए उसमें न्याय पाने के लिए क्या सही है क्या गलत है इसके लिए जो जो विवाद है वो कहाँ पे दायर हो सकता है, सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में। तो कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश रिट के रूप में दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने जो आदेश पारित करेगा वो क्या कहलाएगी, रिट के रूप में। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 के माध्यम से और जो अपना हाई कोर्ट है वो 226 के माध्यम से कार्यपालिका को कुछ करने और न करने का आदेश देता है कि ये सही है या गलत है, ये इस प्रकार से करना है या नहीं करना है। ये सारे आदेश रिट के माध्यम से कौन, सुप्रीम कोर्ट किसको देता है, कार्यपालिका को आदेशित करता है। तो इस प्रकार से रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, तो इसके अंदर मुख्य बात यही आ जाएगी मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए, न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कहाँ पे जा सकता है भाई, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और क्या करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश, सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश रिट के रूप में देता है, सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश रिट के रूप में दे सकता है। अपना आदेश किसके रूप में देगा, सर्वोच्च न्यायालय रिट के रूप में देगा भाई, दे सकता हो। और इन रिटों के माध्यम से तथा 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 इन रिटों के माध्यम से न्यायालय अब न्यायालय के अंदर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है और चाहे वो हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय, दोनों ही आ गए इसमें न्यायालय के अंदर, तथा इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को, न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यह आदेश किसको जारी करेगा, न्यायालय कार्यपालिका को। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है कौन, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किसके द्वारा, रिटों के माध्यम से, कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो यह हो गया इसका रिट संबंधी क्षेत्राधिकार जो मौलिक अधिकारों के की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिट के द्वारा अपने आदेश रिट के रूप में पारित करेगा और क्या करना है क्या नहीं करना है न्यायालय कार्यपालिका को आदेशित करेगा। इस प्रकार से व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए भी यदि किसी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो डायरेक्ट क्या कर सकता है, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ये है आपका रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। तीसरा आता है अपना अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील करना, जो अपील, भारत के अंदर न्याय का अंतिम जो अपील करने का न्यायालय है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। अंतिम कौन सा है, अंतिम न्याय का स्रोत कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। तो बाहर सर्वोच्च न्यायालय
अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति कौन से निर्णयों के विरुद्ध भाई, जो निर्णय हाई कोर्ट ने दिए हैं या हाई कोर्ट के नीचे जिला न्यायालय ने या अधीनस्थ न्यायालय ने जो भी निर्णय दे, उन न्यायालयों के विरुद्ध अंतिम अपील कहाँ पे की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। अंतिम न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, भारत के अंदर। तो देखिए, अपीलीय क्षेत्र अपील करने का अंतिम स्रोत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट के निर्णय कहा जाता है, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। एक तो हाई कोर्ट के साथ में, लेकिन हाई कोर्ट को यह, हाई कोर्ट को यह प्रमाण देना होगा कि यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य हो है। सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी मानी जाएगी कि यह नहीं डायरेक्ट कि कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो फैसले हाई कोर्ट करता है और हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है और इसके लिए वो प्रमाण देगा। उन प्रमाणों को कहाँ पेश किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट जाकर के उस वाद के ऊपर या उस विवाद के ऊपर अपना निर्णय देगा या अपील सुनेगा उसकी, तब जाकर के उसके ऊपर अपील होगी। तो इसके अंदर देखो, सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट के, जो हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके विरुद्ध जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन अपील जब ही कर सकेगा जब हाई कोर्ट को यह प्रमाण देना होगा कि यह मुकदमा मेरा नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट का है। ये बात कौन कहेगा? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय कहेगा ये बात कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य है। जैसे संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा मामला है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर क्या आएगा? तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर आएगा कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है कि उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन बस इसमें कंडीशन ये रहेगी, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण देना होगा कि क्या प्रमाण देना होगा भाई? कि लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण देना होगा कि यह मुकदमा उच्चतम न्यायालय में अपील करने योग्य है। ये प्रमाणित करना पड़ेगा किसको? उच्च न्यायालय के विरुद्ध जो भी कोई अपील करता है, उस अपीलकर्ता को उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय से ये प्रमाण दिलवाना पड़ेगा कि यह मुकदमा हाई कोर्ट का न होकर के किसका है? ये उच्चतम न्यायालय का है। उच्च न्यायालय की बजाय उच्चतम न्यायालय का ये विवाद है, तो तब जाकर के उस मुकदमे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जैसे क्या होगा? जैसे हाई कोर्ट कहेगा, जो उच्च न्यायालय वो क्या कहेगा किसको? सुप्रीम कोर्ट को, कि उसके अंदर उसको हाई कोर्ट का ऐसा लगे, क्या प्रमाण देगा कि यह संविधान जैसे संविधान की व्याख्या करने का है, यदि जैसे संविधान की व्याख्या या कानून की व्याख्या, या तो संविधान की व्याख्या या कानून की व्याख्या से जुड़ा हुआ मैटर है, तो यह या फिर कोई फौजदारी या कहें कि या फौजदारी या कोई हम कह सकते हैं कि फौजदारी मामले में फौजदारी
मामले में निचली अदालतें या फौजदारी मामले में किसी निचली अदालत ने निचली अदालतें द्वारा फांसी की सजा दी गई है, ऐसे जो मुकदमे होते हैं ये जिनके अंदर ये कंडीशन फॉलो होती है ना, ये कंडीशन हो रही है कि उस मुकदमे के अंदर, किसके अंदर, उस मुकदमे के अंदर या तो संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई जुड़ा हुआ प्रश्न है या कानून की व्याख्या से संबंधित या किसी निम्न न्यायालय ने फौजदारी कानून के अंदर किसी को फांसी दे दी है, तो ऐसी स्थिति में ये इसके लिए इन विवादों के अंदर डायरेक्ट कहाँ पे अपील की जा सकती है, इनके लिए अपील फिर कहाँ पे की जाएगी, ये की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, इसलिए इसको कहा जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील का अंतिम न्यायालय। अब अपना आता है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, अंतिम जो अपना क्षेत्राधिकार आएगा वो आएगा सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का। अंतिम जो क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है सलाह संबंधी। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सलाह भी देने का काम करता है, किसको, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले भी सकता है, और परंतु वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। कौन, संविधान के अनुच्छेद 143 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किसी बात के ऊपर, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, परंतु सुप्रीम कोर्ट उस सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है, तो इसलिए सलाहकार के रूप में भी भूमिका निभाता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार भी है, इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति जनहित या संविधान की व्याख्या संबंधित, क्या है, जनता के भले से संबंधित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, कि संविधान की, इसके अनुसार देखो सलाह संबंधी, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संविधान की व्याख्या, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद, ये बात किसमें, अनुच्छेद ये ध्यान में रखना भाई, 143 के अंदर ये बात कही गई है, अनुच्छेद 143 में, कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए यदि राष्ट्रपति को लगे कि संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई क्या है विषय है या संबंधित कोई विषय है, इस विषय के ऊपर क्या कर सकता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अब यदि सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, देखो, लेकिन न तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के, लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट जो सलाह मांगी गई है उसके लिए बाध्य है, कोई मजबूर नहीं है, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे भी दी है उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी मजबूर नहीं है, दोनों ही मजबूर नहीं है, न तो राष्ट्रपति न सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यदि उसने सलाह ली है, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, यदि सलाह दी है तो राष्ट्रपति उस सलाह को माने या नहीं माने, वो इस प्रकार के लिए किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो संपन्न हुआ, जिसके अंदर हमने चारों जो क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के बारे में अपन ने चर्चा की। इसी के साथ में सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार संबंधी हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, वो संपन्न हुआ। अब कल हम चर्चा करेंगे जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता है, और या न्यायिक सक्रियता है या जनहित याचिका है, इसके बारे में जो न्यायपालिका किस प्रकार से भूमिका निभा रही है, इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।